अच्छा जी, ये अभी हमारे पास जो है केस प्रेजेंट हुआ है, ये रेस्क्यूड पपी है और इसकी स्किन अगर आप अगर देखें तो स्किन सारी इसकी ख़राब हुई हुई है और पस वगैरह जो है इसके ऊपर सारी जो है वो पड़ी हुई है। तो अभी के लिए जो हमारा स्टेटस है, हमने इसके फंगस चेक किया, फंगस नहीं है, बट स्केबीज के लिए जो जो कैटिव है और पस भी पड़ी हुई है स्किन में, डेट मीन्स के पायोडर्मा भी हुआ है। तो उस सिचुएशन के लिए अभी हम इसको मेडिकेटेड शावर देंगे, क्लियर करेंगे स्किन इसकी, उसके बाद देखेंगे क्या सिचुएशन है। ये रेस्क्यूड है, वैक्सीनेशन वगैरह नहीं है, तो इसमें सबसे ख़तरा ज़्यादा ये होता है कि ये अगर जो किसी तरह का कोई इन्फेक्ट पारवो या डिस्टेंपर वगैरह का मसला हो जाए तो वो पिक हो जाती है। तो इस सूरत हाल के अंदर हमें इसको उसके लिए खिलाफ जो एंटी सीरम जो है वो भी स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि जब तक इसका ट्रीटमेंट है किसी तरह के कोई इन्फेक्शन में ना जाए। अब अदरवाइज स्किन की कंडीशन के अलावा पपी जो है वो खाना पीना भी खा रहे हैं और अदरवाइज एक्टिव भी है, बट स्किन इसकी बहुत बुरी हालत में है। अभी मेडिकेटेड एक शावर हुआ है, अभी ओनर को हमें बता दिया है कि इसको जो अभी जिन्होंने रेस्क्यू किया है कि इसको कुछ दिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगेंगे, वो घर में हम बता देंगे, बॉडी में हम रख नहीं सकते क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन नहीं है। तो अल्लाह ना करे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन पिक ना करते, तो नेक्स्ट वीक है दोबारा विजिट के लिए आएगा, कुछ घर की मेडिसिन हैं वो स्टार्ट करवाएंगे। तो उम्मीद है कि जो है इसकी कंडीशन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी, बट इस तरह की कंडीशन बेहतर होते हैं महीना डेढ़ महीना बड़े आराम से लग जाता है, बट अभी हुड के अंदर बहुत चोट लग रहा है। तो अगर आप इस तरह के केसेज में फंड करना चाहते हैं तो आप हमें अपने डोनेशन भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।